असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चनों में पहले एक चीज ध्यान दे लो, एक तो ये आता है कि बोथ असर्शन और रीजन आर करेक्ट, ठीक है, और असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ये आएगा असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्या आएगा ए, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर रीजन सही एक्सप्लेनेशन ना हो, assertion is correct but reason is not, और assertion is incorrect but reason is correct, ये चार ऑप्शन हो गए आपके, दोनों incorrect का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये बात ध्यान रहेगी। अब आ जाओ, अब इसमें क्वेश्चन में पहले वाले में क्या देता है, assertion significant figure for this, इसकी significant figure कितनी है, decimal के बाद हम ये तीन देखेंगे इस थ्री, where for 200 is 1, हाँ बिल्कुल ठीक है क्योंकि डेसिमल नहीं है तो उससे पहले वाले जीरो काउंट नहीं होते, रीजन जीरो एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल साइड के राइट साइड पर हो तो वो काउंट होते हैं नहीं तो नहीं होते, तो ये यहां पर आपकी बातें ठीक है। अगला नंबर दिस, इसकी सिग्निफिकेंस फिगर मुझे 5 दिखाई दे रही है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये साइंटिफिक नोटेशन है, हाँ जी, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर जनरली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 की पावर n, और n जो नंबर है वो इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं इसको, ये बात भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन 1.231 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ वरुण इनके ऑप्शन ए होंगे, वो कह रहा है असर्शन ये है, ये तो गलत है असर्शन, क्यों, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 नहीं 4 है, ऑल नंबर्स राइट टू द डेसिमल, अच्छा एक बात ध्यान रख लो, अगर असर्शन गलत हो तो रीजन ठीक हो सकता है, एक ऑप्शन है ऑल नंबर राइट टू द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ये बिल्कुल ठीक है, जरा ध्यान दो इसका रीजन ठीक है असर्शन गलत है, क्वेश्चन नंबर 48 के, क्वेश्चन नंबर 48 का असर्शन गलत है रीजन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, असर्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर और कॉपर ऑक्साइड इज 31.8 और 63.9, पहले तो मैं आपको बता दूं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ए, ए क्या होती है वैलेंसी, अब पहला वाला देखो 31.8 बोल रहा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का कितना होता है 63.5, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, अब इन पे चार्ज कितना है 2, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, आप इसको मत लो ऑक्सीजन को, सिर्फ इसको देखो क्योंकि हमें कॉपर का देखना है वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन दिस इज 63.5/2, हाँ बिल्कुल ठीक है, और यहां पर 2 कॉपर है, कॉपर 2 है तो उससे मास तो डबल नहीं होना चाहिए, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं Cu2, हाँ ठीक है सही है, यहां पर जो चार्ज है +1 है, यहां पर जो चार्ज है +2 है, तो यहां पर 63.5 है 63.6, ठीक है असर्शन बिल्कुल ठीक है, रीजन भी बिल्कुल ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख दिया, असर्शन और रीजन दोनों ठीक है और एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, 49 का भी आंसर होगा ए। अगला assertion empirical mass of ethane is half of its molecular formula, बिल्कुल सही, क्योंकि ethene जो होता है ethene ये होता है, हाँ जी, अब अगर मैं इसका empirical mass लिखूं तो वो क्या आएगा C1H2, half लग रहा है तो ठीक है। अगला the empirical formula represent the simplest whole number ratio of various atom present in a compound, ये बात भी बिल्कुल ठीक है और दोनों एक दूसरे से relate भी करते हैं। अगला क्वेश्चन असर्शन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस चेंज कंसिडरेबली विद चेंज इन टेंपरेचर और प्रेशर, क्या लगता है आपको जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है वो चेंज होता है टेंपरेचर और प्रेशर से, बिल्कुल होता है, इसी वजह से मोलैरिटी अच्छा कंसेप्ट नहीं है, मोलैरिटी अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन आ सकता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन ज्यादा अच्छा है, तो आप कहोगे मोलैलिटी ज्यादा अच्छा है मोलैरिटी नहीं। अब रीजन क्या कहता है मोलर वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर वॉल्यूम जो होता है सब्सटेंस का इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस,
हाँ ठीक है, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, क्या वो चेंज होता है अगर हम कंसीडर करें टेम्परेचर और प्रेशर को? मोलर वॉल्यूम, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी, मोलैरिटी में 1 मोल के साथ साथ, हाँ, मोलर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक बात है दोनों। आप एक बात चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 51 में रीजन ठीक है कि नहीं। हाँ बेटा, तो यहाँ पर assertion और reason ठीक है दोनों, लेकिन assertion और reason एक दूसरे पे depend करते हैं। Question number 52 देखना, assertion, the balancing of chemical equation is based on the law of conservation of mass। हाँ, आपकी जो balancing है वो law of conservation of mass पर based करती है। दूसरा reason, total mass of reactant is equal to total mass of product, बाकी दोनों ठीक है, relate भी कर रहे हैं। Assertion, atomic mass यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU या GU कहते हैं, इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, बिल्कुल ठीक है, ये डेफिनेशन है। कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है कार्बन का, ऐसा नहीं है, होता क्या है उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, उसका जो मास है 12 पॉइंट काफी बार काफी आगे तक उसमें जीरो आते हैं, मतलब बहुत एक्यूरेट वैल्यू उसकी, तो ये गलत है, ये ठीक है। अब इस वाले को चेक करो उसका रीजन क्या है 53 का, मैं इतने आगे बढ़ रहा हूँ। 54, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, मैं आपको बता देता हूँ एटॉमिसिटी होती क्या है, नंबर ऑफ एटम। अगर कोई पूछे O2 की एटॉमिसिटी क्या है 2, एसिड की एटॉमिसिटी क्या है 8, और कौन सा लू, सेलेनियम 16 की एटॉमिसिटी क्या है 18, H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या है 2, 3, 4, 7, तो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 2 है, बिल्कुल ठीक। 1 मोल ऑफ एलिमेंट कंटेन इतने एटम्स, हाँ दोनों बातें ठीक है लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, एक बार ये सारी चीजें चेक कर लो यहाँ तक। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, assertion, the number of the G molecules of SO2Cl2 is, number of G molecules पता नहीं क्या होता, 13.5, ठीक है, of sulfuric chloride is 0.2, जो number of molecules है, पहले तो आपको SO2 पता होना चाहिए, SO2Cl2 का molecular mass क्या है, ठीक है, उस मॉलिक्यूलर मास को निकालो, मॉलिक्यूलर मास को 13.5 से डिवाइड कर दो, 13.5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास जो भी आएगा इसका, ठीक है। अब वो देखो क्या वो 0.2 आता है, ये चेक करो, ठीक है, कर लोगे बच्चों। उसके बाद रीजन क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द दोज मॉलिक्यूल्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, हाँ ग्राम मॉलिक्यूल होते हैं बेटा जिनका मास आप, जिनका मॉलिक्यूलर मास आप उसमें लिखते हो, रीजन ठीक है, असर्शन चेक करनी पड़ेगी और रीजन असर्शन से बिल्कुल नहीं मिल रही। आगे असर्शन, 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ O2, अच्छा 1 मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 to 10 to 23, SO2 में कितने होते हैं, वो भी इतने ही होते हैं। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट जो होता है SO2 का वो हाफ होता है O2 से, वो तो चेक करना पड़ेगा, 64 होता है SO2 का और 32 होता है, हाँ दोनों बातें ठीक है लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही। Assertion, molecular weight of compound is 44, ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट और वेपर प्रेशर हाफ होती है, वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आता है, ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ठीक है, बोल भी दिया इसने, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है, assertion भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन सही भी है इसका, डिपेंड भी करता है। assertion, combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स यू 18 ग्राम ऑफ वाटर, हाँ हम जानते हैं अगर आप CH4 लोगे और उसको O2 के साथ एक्शन कराओगे तो आपको 2 H2O मिलेंगे, 16 ग्राम ये करोगे तो ट्वाइस ऑफ 18 ग्राम, नहीं गलत है, assertion गलत है, ट्वाइस ऑफ 18 ग्राम मिलना चाहिए था, बात समझ रहे हो बच्चों। और रीजन क्या है, combustion of methane प्रोड्यूस करता है एक प्रोडक्ट ऑफ, नहीं एक नहीं दो, दोनों बातें गलत है, assertion भी और रीजन। क्वेश्चन नंबर 58 चेक कर लो, कोई एक बच्चा आंसर शीट निकाल के बैठ दो ना इनके, तो assertion डी पार्ट है इसका, हाँ ठीक है क्योंकि दोनों ही गलत है। 59 क्या कहता है, assertion, रिएक्टेंट, अ रिएक्टेंट दैट इज एंटायरली कंज्यूम्ड व्हेन अ रिएक्शन गोज टू कंप्लीटली is known as limiting reagent, बिल्कुल सही, limiting reagent होता है जो पूरी तरीके से consume, एक तो नमक चाहिए था और आगे assertion, पहले assertion ये थी कि भैया क्या ये limiting reagent की definition है, बिल्कुल ठीक। reason, the amount of limiting reagent limits the amount of product, बिल्कुल सही।
लिमिटिंग एजेंट प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर देता है, ठीक है, दोनों असर्शन रीजन ठीक है, लेकिन ऊपर वाली बात का रीजन नहीं। आगे असर्शन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट इट्स कंसंट्रेशन। हाँ, मोलैरिटी कंसंट्रेशन बताती है, मोलैरिटी क्या, मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन बताती है। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, दोनों बातें ठीक है, रिलेट भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर वन के असर्शन रीजन खत्म हो। आ जाओ लेसन नंबर टू के असर्शन रीजन पे चल रहे हैं। असर्शन, डी ब्रोगली इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बिल्कुल सही, बड़े पार्टिकल्स के लिए इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए इसकी सिग्निफिकेंस है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से, लेकिन इसका लेना देना माइक्रोस्कोपिक वाली बात से नहीं है, माइक्रोस्कोपिक वाली बात का लेना देना है प्लैंक्स कांस्टेंट से। प्लैंक्स कांस्टेंट इतनी छोटी वैल्यू आती है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बड़ी चीजों को नहीं देख पाता। वैसे बोला जाए तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी मत बोलो, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो असर्शन गलत है, लेकिन बुक्स वगैरह इसको ठीक कह देगी, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन रीजन ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे असर्शन, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने अभी आपको बताया था 0.529, या कभी कभी इसको 0.53 आर्मस्ट्रांग भी कह देते हैं। रीजन, रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर ऑर्बिट इज, यानी कि आर एन इज इक्वल टू 0.53 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर बाय जेड। बिल्कुल ठीक है, असर्शन रीजन दोनों ठीक है, ठीक है। असर्शन, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज डिपेंड ओनली ऑन क्वांटम नंबर। जो एनर्जी होती है वो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। हाँ, सिर्फ क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, बाकी सारी चीजें तो कॉन्स्टेंट हो जाती है। तभी वैल्यू आती है -2.18 × 10⁻¹⁸ अपॉन में n स्क्वायर। दूसरा, इसका रीजन क्या है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर और नहीं। असर्शन ठीक है, रीजन गलत। 60th क्वेश्चन, असर्शन, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। रीजन, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड। इसका क्या मतलब है, रीजन का कोई लेना देना नहीं है ऊपर वाली बात से, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का पाथ क्लियरली डिफाइंड है भी नहीं, रीजन गलत है, असर्शन ठीक है। असर्शन, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज विद इंक्रीज इन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एनर्जी जो होती है किसी ऑर्बिटल की वो बढ़ती है जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। नहीं, एनर्जी का रिलेशन इनवर्स है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग अवे द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। हाँ, एनर्जी जो होती है वो दूर रखने का काम आती है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव न्यूक्लियस। ये वाली बात ठीक है, ऊपर वाली बात गलत है। असर्शन, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब होता है जिस चौथा क्वांटम नंबर जिसमें हम प्लस हाफ माइनस हाफ में बताते हैं वैल्यू को। बिल्कुल सही है, हेयर प्लस और माइनस हाफ सिग्निफाई फॉर वेव फंक्शंस। हाँ जी ठीक है, और ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। 62 का सी है, रीजन गलत। रीजन गलत नहीं है बेटा, सिग्निफाई करता है ये ओरिएंटेशन को भी और वेव फंक्शन को भी, ठीक है। या फिर ये यूं कह रहा होगा सिर्फ ओरिएंटेशन को सिग्निफाई करे, वेव फंक्शन को ना करवाए। वैसे वेव फंक्शन को भी करता है क्योंकि आगे जाके ये आपके वेव फंक्शन को समझाकर बताएगा कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग किस तरीके से होगी। अगर आप दो ऐसे वो लोगे तो ही बॉन्डिंग हो पाएगी। क्या ये दोनों कभी बॉन्ड बना पाएंगे?
63 वाले में रीजन गलत है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई नहीं करता शेप को और ऑर्बिटल्स को, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर SPDF सबशेल ऑल हैव डिफरेंट एनर्जीज, सबकी एनर्जीज अलग अलग है, हाँ डिफरेंट होती है, म्यूचुअल रिपल्शन एग्जिस्ट अमंग द, अरे स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट रुको, अब दिख रही है, हाँ दिख रही है, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, मैं आपको कह रहा था कि फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर SPDF सबशेल्स ऑल द हैव डिफरेंट एनर्जी, सबकी एनर्जी अलग अलग, हाँ जी ठीक है। रीजन म्यूचुअल रिपल्शन एग्जिस्ट अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी रिपल्शन, बात ये भी ठीक है। अब कोई बच्चा ये देख के बता दो क्या assertion और reason इसके दोनों ठीक है? Yes sir, दोनों सही है और correct explanation. Depend नहीं करते है ना? नहीं, correct explanation भी है। Correct explanation तो नहीं है क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का कोई लेना देना नहीं, चलो ठीक है। वो यूं कहना चाह रहा होगा जो एस के इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करते हैं, इस वजह से पी की एनर्जी कम हो जाती है, हाँ फिर ठीक है। आगे assertion, हाफ फिल्ड और फिल्ली फुल डीजनरेटेड ऑर्बिटल जो है वो एक्वायर करते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजन है कि जो ऊपर जो आपने दिया उसके दो रीजन है, तो सिमेट्री जहां दे रखी है और एक और है वो है एक्सचेंज एनर्जी। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 असर्शन एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस देन पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल जो होते हैं ज्यादा ताकत से बंधे होते हैं न्यूक्लियस से पी ऑर्बिटल से, ये बात ठीक है क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जेड इफेक्ट एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद इंक्रीज इन एजीम्यूथल नंबर, जो जेड इफेक्ट होता है वो वैसे वैसे डिक्रीज करता जाता है जैसे जैसे उसका एल बढ़ता जाता है, ये बात भी ठीक है लेकिन आपको चेक करनी पड़ेगी। बेटा रीजन ठीक बता रहा है इसका? हाँ सही बता रहा है लेकिन वो डिपेंड नहीं करता, हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है। 67 असर्शन शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बाउंड्री सरफेस, जो शेप होती है वो बाउंड्री सरफेस ऑफ डायग्राम ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी, जहां तक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उसकी बाउंड्री से ही पता चलता है, ये बात ठीक है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम हेल्प इन इंटरप्रेटिंग और विजुअलाइजिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल, बातें दोनों ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड भी कर रही है मेरे हिसाब से, आप एक बार चेक कर लो। 67 ठीक है। 68 क्या कहता है, 5s ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी देन 4s, हाँ उसकी एनर्जी ज्यादा होती है तभी बाद में भरा जाता है और इसमें n प्लस l रूल बड़ा आ रहा है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ऑन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, नहीं सिर्फ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता, ये n प्लस l दोनों पे डिपेंड करती है एनर्जी। असर्शन ठीक है, रीजन गलत है 68 का। अगला असर्शन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम इज डिजाइन बाय NLMLMS, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे ही डिजाइन किए जाते हैं? बिल्कुल सही। दीज प्ले नो रोल इन डिजाइनिंग द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, नहीं करते हैं रोल प्ले। असर्शन ठीक है, रीजन गलत बताना। आवाज आ रही है बच्चों? नहीं सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 70 असर्शन कह रही है इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, जो आयनिक साइज होता है वो बढ़ता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक के अंदर, देखना जरा एक बारी, या आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ना, एटॉमिक नंबर तो उधर जाते हुए बढ़ रहा है लेकिन ये तो सारे कार्बोकैटायन है, साइज घट रहा है यहाँ पर जाते हुए, असर्शन तो गलत है। रीजन ग्रेटर द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ग्रेटर इज द आयनिक रेडियस, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना कम होगा आयनिक रेडियस, दोनों बातें गलत है, चेक करना बेटा। इसका डी आंसर है, हाँ डी मतलब दोनों बातें गलत है। अगला 71 असर्शन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज डिजाइंड बाय 12 प्लस 1, बिल्कुल ठीक है, जो सबशेल होता है ना टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है वैसे 12 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्बिटल्स इज डिजाइन बाय दिस, यहां पे ठीक है। एल एल कैन हैव वैल्यू 1 2 एन प्लस 1,
बेटा मेरे को ये दोनों बातें गलत लग रही, चेक करके बताओगे? हाँ डी आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लेसन नंबर टू के भी असर्शन रीजन होते हैं समान। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 42 देखो। असर्शन, नोबल गैस आर हाईली रिएक्टिव, ये तो वहां गलत है। नोबल गैसेस हैव स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रीजन ठीक है। असर्शन, एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, वर्टिकल कॉलम कौन सा होता है ये? हाँ जी, जो वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादातर एक जैसी होती है। सर ग्रुप तीन शेयर नहीं किया आपने। आगे असर्शन, एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, बात ठीक है। एलिमेंट हैव पीरियोडिक डिपेंडेंस अपॉन द एटॉमिक नंबर, इस बात का क्या मतलब है? क्या वो पीरियोडिक डिपेंडेंस रखते हैं एटॉमिक नंबर पे? हाँ, तभी तो अब वाली पीरियोडिक डिपेंडेंस रखते हैं। ये दोनों बातें तो ठीक है लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, और जो मेंडेलीव की थी वो एटॉमिक मास पे करते थे। क्वेश्चन नंबर 44, असर्शन, द एलिमेंट हैविंग 1s2 2s2 2p6 3s2 और 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही, सेकंड पीरियड से, क्योंकि उनके s वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम है। बोथ हैव द सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, असर्शन रीजन दोनों ठीक है और एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, अब ये कोपरनियम तो मुझे पता नहीं है क्या उसका 112 है, और उसका आयुपिक नेम किससे लिखा जाएगा? 1-1, देखो आयुपिक नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज अनबाइयम, ये नाम बिल्कुल ठीक है इसका नाम, ठीक है। अब एक बार ये दोनों एक दूसरे से रिलेट तो नहीं करते, बस एक बार ये चेक कर लो, ये कोपरनियम है 112 क्या? असर्शन ठीक है बच्चों, फिर से होगा बेटा, जरा ध्यान दो, ये जो सबके सब सेम है ना, ये सबके सब पीरियड नहीं है सेम, यहां पर हमने गलत बता दिया, ग्रुप सेम है सबके, ठीक है, मैंने पीरियड नहीं देखा, ये सब सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, 1s2 2s2 3s2 सेम ग्रुप के हैं, सेम पीरियड के नहीं। हाँ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बात ठीक है, रीजन तो ठीक है ना बेटा? यस सर। अब ये कॉपर नियम देख लो कोई, 112 है कि नहीं इसका? असर्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, असर्शन, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आर स्मॉलर देन ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। पहले देख लो नाइट्रोजन कौन सी है, 15th ग्रुप, ऑक्सीजन कौन सी है, 16th ग्रुप। क्या लग रहा है आपको, नाइट्रोजन फैमिली का साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन से? हाँ, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज छोटा होता है, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, असर्शन ठीक है। रीजन, द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोई चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, रीजन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, असर्शन, द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव द सेम रेडियस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सेम रेडियस होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सेम रेडियस बिल्कुल नहीं होता, दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों बातें गलत है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें। असर्शन, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जनरली डिक्रीज टुवर्ड्स द राइट पीरियड, राइट इन पीरियड, जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं किसी पीरियड में तो उसका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है, रीजन है कि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है जब हम मूव करते हैं लेफ्ट इन पीरियड, लेफ्ट में जाएंगे, एक मिनट रुको, हाँ लेफ्ट में जाएंगे तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, हाँ होती है, दोनों बातें ठीक है लेकिन एक दूसरे से क्या लेना देना, ठीक है सर, रीजन गलत दे रहा है। एक बात बताओ, अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हो वो डिक्रीज ही तो होगी जब हम लेफ्ट में जाएंगे पीरियड में, अगर आप लेफ्ट में जाते हो ये जब, तो इस वाले की सबसे कम होती है और इस वाले की सबसे ज्यादा होती है, सही है, रीजन गलत है, किसने का रीजन रीजन सही है, किसने का रीजन गलत है, गलत है, इसने गलत दे रहा है। आगे असर्शन, बोरोन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, क्या बोरोन की पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है बेरिलियम से? हाँ, बेरिलियम की ज्यादा होती है।
क्यों? क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है। बेरिलियम फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, इसलिए इसकी फाइनेंशियल एंथैल्पी बोरोन से कम होती है। रीजन, द पेनिट्रेशन ऑफ 2s2 इलेक्ट्रॉन यानी कि फुल्ली फिल्ड इज मोर देन द 2p। बिल्कुल सही, रीजन भी बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें सही है। 49। अब चलते हैं 50th पे, असर्शन। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एनर्जी रिलीज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। बिल्कुल सही डेफिनेशन है। एलिमेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन। ये क्या मतलब हुआ इस बात का? एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन इज व्हाट? रीजन तो भाई गलत है, इसका चेक करना भैया। रीजन तो इंग्लिश ही गलत है। डी डी है सर, 50 का। 15th का डी है, डी नहीं है। उसकी डेफिनेशन तो ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो, भैया इसका आंसर ए है। किसका? 15th का, 50th का। हाँ बेटा रीजन तो गलत है, ये रीजन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल कॉन्फिगरेशन, इसका मतलब क्या है? Is, आगे तो कुछ लिख देता। रीजन गलत है, असर्शन ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51, असर्शन, जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज लेफ्ट टू राइट। हाँ ये ठीक है। अब देखो लेफ्ट टू राइट अगर इंक्रीज कर रही है तो राइट टू लेफ्ट डिक्रीज करनी चाहिए ना, तो दोनों बात ठीक है। 48 वाली ठीक बात थी। रीजन, व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑर्बिटल, अगर एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं किसी ऑर्बिटल को, किसी एक क्वांटम नंबर को, तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कंपनसेट फॉर इंक्रीजिंग अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक बात तो बात समझ लो कि जब अंदर की तरफ आप इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हो तो उसके जो जब बाहर से आप इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे होते हो सक्सेसिवली, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात, ये रीजन तो मेरे को ठीक लग रहा है लेकिन इस रीजन का कोई इससे लेना देना नहीं है। ऊपर बात चल रही आयनाइजेशन एंथैल्पी की, नीचे चल रही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चेक करो 51, रीजन चेक करो, रीजन ठीक है या गलत कर रहा हूं भैया? बी है आंसर इसका। हां ये सर 51 का, दोनों है मतलब एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। ठीक आगे चलते हैं 52, असर्शन, एल्कली मेटल हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विद अ पीरियड। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? असर्शन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कमजोर हो जाती है। रीजन क्या है? साइज ऑफ एटम इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन एड करने से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर, हाँ दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से। दोनों बातें ठीक है, असर्शन रीजन ठीक है और एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रहे हैं। सीजियम और फ्लोरीन बोथ रिएक्ट वॉलेंटली, फ्लोरीन बहुत छोटा एनायन है, सीजियम बहुत बड़ा कैटायन है। जितना बड़ा कैटायन उतना अच्छा, जितना छोटा एनायन उतना अच्छा, बात ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेना। मेरे हिसाब से असर्शन बिल्कुल ठीक है, सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फ्लोरीन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चेक करना बेटा, दोनों ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है। भैया इसका ए आंसर है। ठीक है बिल्कुल। अगला 55, असर्शन, फ्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है क्लोरीन से। हाँ क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, साइज छोटे होने की वजह से क्या करता है वो रिपल्शन करने लगता है, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को साइज छोटे होने की वजह से रिपेल करने लगता है। रीजन, देयर इज रिलेटिव ग्रेटर इफेक्टिव of 2p electron in small fluorine atom to repel the additional of electron. बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें सही है। यहाँ पर आपके lesson number 3 के assertion reason खत्म होते हैं। इसकी वीडियो बना के मैं आपको अभी भेज दूंगा और कल कर लेंगे हम, मॉर्निंग में करेंगे प्रॉब्लम, फिर शाम को एक और क्लास लेकर इसके assertion reason सारे खत्म करा दूंगा। ठीक है बच्चों।